कराची से रिपोर्ट करें सिटी 46 के ब्यूरो चीफ रिपोर्टर जैन बिलोच। मेट्रोवल में जुल्म की इंतहा हो गई। जमीला खान के शोहर का एक साल पहले इंतकाल हो गया था। शोहर का नाम अख्तर नवाज था। एक साल से जमीला खान को मारने का प्लान बनाया जा रहा था। उनके देवरों की तरफ से दो दिन पहले इनको मारने के लिए कातिलाना हमला किया गया, जिसकी जद में जमीला खान और इनके वाले शदीद जख्मी हुए। इनके देवर, जिनका नाम शमीम नवाज, रशीद नवाज, शाहिद नवाज, इमरान नवाज, खालिद नवाज, जाहिद नवाज और अली नवाज है, वो जमीला खान को मारकर इनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। मकान नंबर KE 246 कैबर मोहल्ला बरवानी चाली मेट्रोवेल अल्फला मस्जिद के नज़दीक है। रशीद नवाज के बेटों ने और शमीम नवाज के बेटों ने, जिनका नाम साकिब नवाज, शाहिद नवाज, आसिफ नवाज, आबिद नवाज ने, दो दिन पहले रात के वक्त इनके घर पर कब्जा कर लिया और घर से निकाल दिया। रात के पहर में जमीला खान और जमील खान के वालद के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया, जिसकी जद में आकर जमीला खान को शदीद चोटें आईं। इनके वालद को शदीद चोटें आईं। मेट्रोवेल साइड थाने की हदूद में ये सब वाकया पेश आया। कुछ अर्सा पहले जमीला खान की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। जमीला खान ने बताया कि इनके देवरों के बेटों ने अब घर पर कब्जा भी कर लिया है। एक बेवा औरत जाए तो कहां जाए। जमील खान ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और एडिशनल आईजी जवेद आलम ओडो साहब से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दिलाया जाए और कहा कि मेरे देवरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझ बेवा को इंसाफ दिलवाया जाए।